तुलाई केन से अनाज तुलवाकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, एक की मौत, एक घायल अवस्था में विदिशा रेफर। जी हां, ग्राम गमाकर सायलो तुलाई केंद्र से अनाज तुलवाकर घर लौट रहे किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली सलोई मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर चालक जितेंद्र रघुवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए विदिशा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर तहसीलदार यशवर्धन सिंह राठौर ने पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करवाया। घटना की जांच प्रारंभ की गई है। घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली हटखेड़ा के सरपंच का है और घायल चालक जितेंद्र सरपंच के भाई का बेटा है। भूमिपुत्र युवा कृषक देवेंद्र रघुवंशी ने बताया कि प्रशासन ने कृषकों के अनाज खरीदने के लिए जो केंद्र निर्धारित किए हैं उनकी संख्या बहुत कम है। कुछ तो ग्रामों से ये केंद्र 35 से 40 किलोमीटर दूर हैं, जिससे किसानों को इस संकट काल में अनाज तुलवाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। युवा नेता ने अपील की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और तुलाई केंद्र बढ़ाए जाए। हमें सुबह सुबह जानकारी मिली कि गमाकर सायलो से खरीदी केंद्र से गुलाबगंज तरफ का कोई ट्रैक्टर ट्राली किसान मंडी करा कर वापस जा रहा है, यहाँ सलोई के पास पलट गई है। जैसे ही हम पे खबर आई ग्रामीणों से, हमने आसपास के लोगों को खबर करी, भदावसा सरपंच या सलोई सरपंच इनको खबर करी कि जाकर के इसकी मदद करें। फिर जैसे ही जानकारी लगी कि ये बिना जेसीबी मशीन के नहीं उठेगा, तो फिर हमने प्रशासन से बात की और मशीन की व्यवस्था करके ये इसको निकाला है। असल में क्या है कि खरीदी का बहुत लोड है, लोग किसान हम देख रहे हैं पिछले 3-3 दिन से वहाँ फंसे पड़े हैं, अब 3-3 दिन से भूखे हैं, खा पी पा नहीं रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो स्कूल में हाँ, तो उनको लगता है कि कैसे मंडी कराने के बाद जल्दी तत्काल घर पहुँचें। इस भागम भाग के चक्कर में ये घटना घटी है। एक कैजुअल्टी हो गई है, दूसरा एक व्यक्ति सुरक्षित है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया है। सायलो तुलाई केंद्र पर था, तो मेरे पास ग्रामीण हमारी तरफ सूचना दी गई कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें एक किसान दबा हुआ है। तो जब मैं मौके पर पहुँचा तो देखा कि एक किसान दबा हुआ है जो कि सुरक्षित था, और एक किसान जो अंदर दब गया था, जो प्राथमिक तौर पर समझ में आ रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर हमने तत्काल डॉक्टर की टीम बुलाया और जेसी बुलवाई, तो डॉक्टर की टीम ने पीछे वाला जो किसान था जो अंदर दबा हुआ था उसको बैटिंग टेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने जेसीबी के द्वारा और ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली उठा, जो ट्रैक्टर है उसको उठवा कर जो व्यक्ति दब गया था उसको सर्वसर्वे।